वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद फन। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो है, मैंने एक वर्कशीट बनाया। अगर आप इस वर्कशीट को फॉलो करके बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा एकदम आसानी से लिखना स्टार्ट कर देगा। तो चलो देखते हैं वर्कशीट में क्या क्या है। ये वर्कशीट मैंने बनाया, वर्कशीट्स फॉर नर्सरी। आप अपनी पसंद से पिक्चर ड्रॉ करके ऐसे कलर करेंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। आप ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे और बच्चे को दिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन है और देखो ये एक एप्पल ट्री है और एप्पल ऊपर से गिर रहा है। तो कैसे गिर रहा है एप्पल? ऐसे। अब तुम करो तो बच्चे को बोलेंगे यहाँ ट्रेसिंग करने के लिए। मैंने यह एक बटरफ्लाई ड्रॉ किया और इधर एक बटरफ्लाई ड्रॉ किया। तो बच्चे को ऐसे बोलेंगे आप, देखो यह एक बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई ऐसे और एक बटरफ्लाई के पास जाएगा। तो कैसे जाएगा? स्टैंडिंग लाइन से। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल लेके उसको ऐसे ट्रेसिंग करने के लिए बोलेंगे। फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यह एक फ्लावर है और एक फ्लावर है। अब कलर कर देना तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। यह एक बॉल मैंने ड्रॉ किया, इधर भी एक बॉल है, यह एक लोटस है, ये लोटस है। तो ये सब मेरी बेटी ने कलर किया था। तो फिर स्टैंडिंग लाइन के ऊपर मैंने यह एक पेंसिल ड्रॉ किया, एक थिक पेंसिल एक थिन पेंसिल। तो ये मेरी बेटी ने कलर सब कलर किया। तो अब क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, बना के बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए बोलेंगे ऐसे। फिर उसको बोलेंगे कलर करने के लिए। देखिए अच्छी तरह, ये हो गया। नेक्स्ट है स्लिपिंग लाइन्स के ऊपर। देखिए यह एक डॉट है, यह एक डॉट है। बच्चे को बोलेंगे ऐसे ट्रेसिंग करो, ऐसे ऐसे ऐसे। और डॉट जो है ना वो कलर पेंसिल से ही कलर करके देना तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। ऑरेंज के साथ ऑरेंज ज्वाइन करो, ग्रीन के साथ ग्रीन, येलो के साथ येलो, ग्रीन के साथ ग्रीन, ऐसे। फिर जब उसको ऐसे ट्रेसिंग करना आ जाएगा, फिर अब जस्ट इधर एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे देखो इधर एक आइसक्रीम है और इधर एक आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम के साथ आइसक्रीम ज्वाइन करो, हैंड के साथ हैंड ज्वाइन करो, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। यह एक बॉल है तो बॉल के साथ बॉल ज्वाइन करो। तो ऐसे बच्चा ज्वाइन करेगा तो उसको स्लिपिंग लाइन्स समझ में आ जाएगा। फिर पेंसिल है, पेंसिल को भी ऐसे उसको ट्रेसिंग करने के बोल लिए ऐसे बोलना। तो हो गया स्लिपिंग लाइन्स। ऐसे आप इग्लू ड्रॉ करके बच्चे को बोल सकते हैं ट्रेसिंग करने के लिए। देखिए इग्लू में स्टैंडिंग लाइन बहुत सारा है तो उसको स्टैंडिंग लाइन बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। पिक्चर ड्रॉ करके आप स्लिपिंग लाइन सिखा सकते हो। पेंसिल से स्ट्रेसिंग करेगा बच्चा। ये स्लिपिंग स्टैंडिंग और कार्क के ऊपर है। ऐसे भी आप पिक्चर ड्रॉ करके बच्चे को सिखा सकते हो। देखिए ऐसे आप
डॉट डॉट देके बच्चे को ट्रेसिंग करने के लिए बोल सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स, कर्व सब कुछ है। ये राइट स्लैंटिंग लाइन है, तो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया। ये क्लाउड है और इधर एक लड़की है, तो बच्चे को बोलेंगे देखो बारिश गिर रही है। और एक बात ध्यान से ध्यान में रखिएगा, जब स्लैंटिंग लाइन बच्चा ट्रेस करेगा तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, ऐसे। ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है, तो मैंने इधर भी एक घर बनाया और ऊपर क्लाउड है, तो बारिश हो रही है, तो बच्चे को बोलेंगे ट्रेस करने के लिए। देखिए, तो ऐसे कलरफुल अगर बनाएंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, वो ऐसे ही कर लेगा। देखिए, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन भी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ट्रेसिंग, यहां से यहां तक नहीं, ऐसे ऊपर से नीचे, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं कर के ऊपर तो दिखाया था, फिर भी फिर एक बार दिखाती हूँ। कर्व है, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, तो आप ऐसे डॉट देंगे और बच्चे को ऐसे दिखाएंगे ज्वाइन करने के लिए, फिर वो बच्चा ट्रेसिंग करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर राइट कर्व ऐसे 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 ऐसे, फिर अप कर्व, डाउन कर्व, ऐसे मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, फिर ए जिगजैग, ऐसे बच्चा ट्रेसिंग करेगा। ये पैटर्न भी आप करेंगे, ये जिगजैग है और ये अप डाउन, ये अप एंड डाउन कर्व है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर नेक्स्ट है ये, जब कर्व उसको आ जाएगा, फिर ऐसे आप डॉट डॉट करके ऐसे एक बॉल की शेप में ऐसे डॉट डॉट देंगे और उसको बोलेंगे बॉल बनाने के लिए, तो ये बच्चा क्या करेगा, ऐसे ट्रेसिंग करके बॉल बनाएगा, फिर वो कलर करेगा। फिर सेम अप कर्व, ऐसे बच्चा ट्रेसिंग करेगा, ऐसे, 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 ऐसे। फिर नेक्स्ट आता है ये, बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, कैंडी बहुत पसंद है, बैलून बहुत पसंद है, तो बच्चे को बोलेंगे ऐसे कलर करो, ये आइसक्रीम है, अभी इसको ट्रेसिंग करो, तो बच्चा ट्रेसिंग करेगा फिर कलर करेगा, और ये कैंडी है, तो आप ऐसे उसको ट्रेसिंग करने के लिए बोलना, ये बैलून है। आपकी जो भी मर्जी हो ऐसे ड्रॉ कर, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। फिर मैंने देखिए दो पिक्चर बनाया, उसमें स्लैंटिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, कर्व सब है, तो बच्चे को जब सब कुछ आ जाए तो ऐसे उसको ट्रेसिंग करने के लिए बोलना, ये कर्व कर्व, फिर स्टैंडिंग,
कर्व 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 क्रम स्टैंडिंग कर्व कर्व फिर ऐसे आप पैटर्न्स ड्रॉ करके बच्चे को सिखा सकते हैं। देखिए तरह तरह की पैटर्न है। तो ये मेरी छोटी सी एक कोशिश है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो ऐसे आप लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे और उसका राइटिंग स्किल इम्प्रूव करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।